चलिए भैया, थोड़ा सा ट्रैफिक भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर सीधे सीधे चलोगे तो ट्रैफिक का फिर मज़ा कैसे लोगे, एडवेंचर कैसे होगा। थोड़ा ट्रक के पीछे रुको, सीमेंट के कट्टों के पीछे रुको। अरे बाबे, ताज लाइन हो रही है, सॉरी वो ठेका दिख गया था। उस्ताद नानी के यहाँ से आया कुत्ता, भाई मोटा हो गया बाबे। चेक करें एक बार व्यू। कहते हैं मरने के बाद 7 मिनट तक भी दिमाग चालू रहता है, सोचता रहता है। अगर ऐसा होगा तो मैं पहाड़ों के बारे में सोचूंगा, क्योंकि पहाड़ों, यार पहाड़ों में आके मुझे इतनी खुशी मिली है जो आज तक कभी नहीं मिली। तो क्या हाल चाल है, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े होंगे। और मीकी हो चुके बिल्कुल ठीक भाई, बैटरी डलवा चुका हूँ और बस अब चल रही है गाड़ी। बैटरी की पूरी वीडियो इसलिए नहीं बनाई यार, ताकि बहुत लंबी हो जाती, इस कारण से मैंने बनाई नहीं। तो बाकी चलते हैं और देखिए नज़ारा क्या खूबसूरत लग रहा है, मतलब उस नज़ारे को देखने के बाद दिल खुश हो गया। मीकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और भाई क्या ही रफ्तार, देख लो, इससे ऊपर जाती नहीं है पहाड़ों में, ना मैं ले जाता। तो चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं, अब देखना पूरी वीडियो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऋषिकेश तक, और ऋषिकेश देखते हैं रात ना हो जाए तो, बाकी इसलिए जल्दी भगाते थोड़ा सा। पहाड़ों में आए तो ऐसी पेंटिंग नहीं देखी, तो कुछ नहीं देखा भाई। यहाँ देखें अंकल डॉगी घुमा रहे हैं, और भाई क्या शांति है यहाँ पर, क्या फील हो रहा है, मतलब प्राइसलेस मोमेंट है यार। अंकल देखो लगे हुए हैं, और देखो आंटियाँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं फिर भी भाई चल रही हैं, ये यहाँ की ताकत है। देखो माता कितनी बूढ़ी हो गई फिर भी चल रही हैं, ये वॉक पे निकली हुई आंटियाँ जी हैं। पहाड़ों पे पेंटिंग देखें यार, बिल्कुल खूबसूरती से भरा हुआ लबालब, और बादल चेक करें आप उस्ताद एक बार। ये भाई कुत्ता बीच में चल रहा है, पक्का दिल्ली से थोड़ा सा कनेक्शन है इसका, साइड में हट गया अपने आप ही। ये दो बंदे लड़ रहे हैं भाई, मंगोलपुरी की फलंती है। नजफगढ़ जा रहा भैया? नहीं नहीं, ये नजफगढ़ नहीं, सुल्तानपुरी जा रहा भाई। एक बार व्यू। कहते हैं मरने के बाद 7 मिनट तक भी दिमाग चालू रहता है, सोचता रहता है। अगर ऐसा होगा तो मैं पहाड़ों के बारे में सोचूंगा, क्योंकि पहाड़, यार पहाड़ों में आके मुझे इतनी खुशी मिली है जो आज तक कभी नहीं मिली, मतलब धन दौलत सब एक जगह है यार, मगर ये मोमेंट अलग जगह है। और अपन आ चुके हैं रुद्रप्रयाग, यहाँ एंट्री हो चुकी है हमारी, और भाई चेक करें ऊपर भाई क्या ही लाइटिंग लग रही है। अपन साइड से चलेंगे, क्योंकि भाई रूल तोड़ने के लिए नहीं बनाने के लिए होते हैं, हम नहीं उस टाइप के बंदे। चलिए भैया, थोड़ा सा ट्रैफिक भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर सीधे सीधे चलोगे तो ट्रैफिक का फिर मज़ा कैसे लोगे, एडवेंचर कैसे होगा। थोड़ा ट्रक के पीछे रुको, सीमेंट के कट्टों के पीछे रुको। अरे बाबे, ताज लाइन हो रही है, सॉरी वो ठेका दिख गया था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा घूम गया था। ये भाई निकल जाएंगे यहाँ से, अपन निकलेंगे यहाँ से, यहाँ से केदारनाथ के लिए भी जाया जा सकता है, वैसे यहीं से ही जाया जाता है वैसे तो। छोटी छोटी माँ गैया देखें, अरे यार पैर में लगी हुई इनके। भाई बाकी लाइटिंग, फल फ्रूट कितने प्यारे लग रहे हैं यार, यहाँ पे कपड़े भी भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे 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 बुलेट वाले भैया, थोड़ा रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो। ये देखिए भैया, अलग ही है भैया, रुद्रप्रयाग भी बहुत अच्छी जगह है भाई। यहाँ पर आपको ना मतलब पहाड़ी मिठाई मिलती है भैया, बहुत मस्त है। जो अगर यहाँ से कोई निकल रहा है तो ज़रूर ट्राई करना एक बार, बहुत अच्छी लगेगी। तो भैया अपन आ चुके श्रीनगर, थोड़ा सा रह गया यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, वैसे तो श्रीनगर के अंदर ही हैं अपन, और यहाँ थोड़े होटल हैं, खाना अच्छा मिलता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ट्राई करें श्रीनगर का भी खाना, चूक ना जाना अपना किंग का खाना। ये मोहित भाई की याद आ गई मुझे, मोहित भाई सॉरी यार मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ राइड पर, मेरी जान दिल से सॉरी, मैं जल्दी ही आऊँगा तुम्हारी राइड पर, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे, नेक्स्ट संडे। बाकी यार सभी भाइयों को रोड रनर के भाई मेरी तरफ से भाई फुल सपोर्ट है, कभी भी याद करना आ जाऊंगा। तो फाइनली भाई नंगा पेट देख ही लिया हमने,
और इस टाइम अभी हैं हम देवप्रयाग में, जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके माँ गंगा का संगम हो जाता है, जहाँ गंगा जी बनती हैं। और मैं दिखाऊंगा तो आपको भी, बने रहना वीडियो में। ये देखिए भाई क्या टर्न आ रहे हैं यार, क्या टर्न आ रहे हैं भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा है देखने में। ओए होए चचा उस्ताद ध्यान से, बाबे चोट हो जाएगी। बद्रीनाथ से आ रही है अलकनंदा और केदारनाथ से आ रही है भागीरथी। देखिए भैया अभी कराते हैं आपको दर्शन। तो ये देखिए मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। संगम हो रहा है माँ गंगा का, ये भागीरथी वो अलकनंदा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। चलिए यहाँ से देखिए लाइटिंग कितनी खूबसूरत है यार यहाँ पे, मतलब अलग ही लेवल की है, खुशी देने वाली। और यहाँ से ऋषिकेश रह जाता समथिंग समथिंग 65 किलोमीटर। तो भैया अपन पहुँच गए फाइनली ऋषिकेश। हमें लगे वहाँ से सुबह चले थे और अब बज चुके हैं 11:30, तो सही टाइम पर आ गए वैसे अपन यहाँ पर। देखिए भाई ऋषिकेश हरिद्वार यहाँ से 40 किलोमीटर है, बाकी अपन ऋषिकेश के अंदर ही आ चुके हैं। पुल चेक करें भाई, क्या ही बना दिया यहाँ पर, बहुत शानदार। अब हम राइट के लिए जाएंगे तो पहुँच जाएंगे लक्ष्मण झूला और राम झूला के लिए। देखिए भाई क्या खूबसूरत लग रहा है ऋषिकेश। अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो नीलकंठ चले जाएंगे, देखो नीलकंठ भी लिखा हुआ है। मैं नीलकंठ कई बार जा चुका हूँ मगर रात हो रही है तो इसलिए नहीं जाना चाहता। बाकी यहीं से निकलेंगे अपन, थोड़ा सा जानवर वगैरह ना दिख जाए बस, थोड़ा सा यही दुआ है ऊपर वाले से। देखिए भैया ये आगे मंदिर और इसके ठीक थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये भाई अभी लक्ष्मण झूले का निर्माण हो रहा है, कुछ बड़ा बनाया जा रहा है। इस चक्कर में भाई ये बंद पड़ा हुआ है, वरना पहले तो मैं घुमा ही हूँ यहाँ पर। और ये यहाँ की अभी मार्केट बंद पड़ी हुई है क्योंकि बज चुके हैं 12, इस कारण से। हाय हाय, मैं तो अंदर से इसीलिए लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि आज भी भाई ऋषिकेश के दीवाने बैठे हैं। ये दुकानें कुछ खुली हुई हैं यहाँ पर क्योंकि 24/7 हमेशा खुली रहती हैं लोग। अरे भाई बढ़िया लग रहा था यहाँ पर घूमना मुझे, ये छोटे छोटे डॉगी क्या कर रहे हैं भाई। बैटल होगी भाई, बैटल होगी, बहस होगी भाई कुछ। उस्ताद नानी के यहाँ से आया कुत्ता भाई, मोटा हो गया बाबे। भैया यहाँ पे देखो ऐसे, देखो भैया कुत्ता सो रहा है और ब्राह्मण जी सो रहे हैं, हमारे जो बाबा जी सो रहे हैं ब्राह्मण हैं। और यहाँ देखें भैया बिल्कुल तरीके से ले जानी पड़ती है। मैंने ये जो गली है यहाँ पे चोटी वाला है, अब तो तीन हो गए हैं चोटी वाले, खैर एक ये चोटी वाले, एक ये चोटी वाला, मतलब दो हो गए हैं। सॉरी मैंने लास्ट टाइम गिना तो था मगर नहीं नहीं बद्रीनाथ से आ रहे भाई। वो राम झूला है भाई। चलिए भाई तो गाइज यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, कमेंट में भाई जय माँ गंगे जरूर लिख देना। बाकी अभी मैं जो हूँ ये भाई राम झूले के ठीक सामने है, थोड़ा सा दूर है और यहाँ पर आने में भले ही थोड़ा सा कष्ट हुआ बट प्राइसलेस था। बाकी आप बद्रीनाथ से आपने यहाँ देखा, फिर मैं अब ऋषिकेश से जा रहा हूँ, दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।